पैदल यात्रा निकाली जिसका नाम था तिरंगा संविधान रैली। ये एक रैली की तस्वीर है। ये रैली मुंबई तक गई और संविधान रैली के नाम से, तिरंगा संविधान रैली इसे नाम दिया गया। यह रैली इतनी विशाल थी कि इसके कारण मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाले एक एक्सप्रेसवे पर ऐसा भीषण जाम लग गया जैसा कि इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। यह रैली बीजेपी विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के उन आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ निकाली गई जिनमें उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और इस्लाम धर्म का अपमान करने के आरोप लगे थे। इसके विरोध में यह रैली निकली है। इनमें बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा था कि अगर 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया जाए तो हिंदू अपनी असली ताकत दिखा देंगे। इसके अलावा उन्होंने मस्जिदों को लेकर भी एक भड़काऊ बयान दिया था और विवादित बयान देने के मामले में संत रामगिरी महाराज का बचाव भी उन्होंने किया था। और इन्हीं बयानों के विरोध में महाराष्ट्र में लगभग 12,000 मुसलमानों ने 300 किलोमीटर लंबी एक संविधान यात्रा निकाली जिसमें सभी मुसलमानों के हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था। और इन तस्वीरों में आज तीन बिल्कुल नई बातें छिपी हुई हैं जो आज आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जन सैलाब है, संख्या आप देखिए, एकता देखिए, जज्बा देखिए। इस रैली में तीन नई बातें देखने को मिली। पहली बात यह कि अब भारत के मुसलमानों ने अपनी रणनीति को बदला है, मुसलमानों के नेताओं ने रणनीति को बदला है और अब वो अपनी छवि को बदल रहे हैं और अब आज का मुसलमान अपने आप को राष्ट्रवाद से और तिरंगे से जोड़ रहा है। इससे पहले आपने इस तरह की रैली में तिरंगे झंडे का इस्तेमाल कभी नहीं देखा होगा, लेकिन पहले जब मुसलमान इस तरह की यात्राएं निकालते थे, विरोध प्रदर्शन किया करते थे, रैली किया करते थे, तब इनमें उनके हाथों में हरे रंग के धार्मिक झंडे होते थे। आप याद कर लीजिए, हरे रंग के धार्मिक झंडे उनके हाथ में हुआ करते थे इससे पहले। लेकिन यह शायद पहली बार है जब मुसलमानों ने धार्मिक झंडों की बजाय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथ में लेकर यह यात्रा निकाली है और ठीक उसी तरह से अपनी एकता दिखाई है जैसे हमारे देश में हिंदूवादी संगठन राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी रैलियों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरते हैं। तो मुसलमानों के हाथ में इस बार हरे रंग का झंडा नहीं है बल्कि तिरंगा है और मुसलमान राष्ट्रवाद और तिरंगे के साथ सड़कों पर उतरा है। दूसरा, तिरंगा और भारत के संविधान के साथ यात्रा करके मुसलमानों ने यह भी बता दिया कि वो इसी देश भारत से थे, भारत से हैं और भारत में ही रहेंगे। जो लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं, जो कहते हैं कि आज का मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करता है, ये ऐसे लोगों को हमारे देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा जवाब है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर ही रहेंगे। तीसरी बात, इन तस्वीरों में आप मुसलमानों की इस जबरदस्त एकता को भी देख सकते हैं। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि 1% मुसलमान भी अगर सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 1% की बात कही थी उन्होंने, लेकिन इस मामले में तो 1% नहीं बल्कि सिर्फ 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से ही रास्ते ठप हो गए। मुंबई के मुलुंद टोल नाके पर इन लोगों को रोकने के लिए 3,000 पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा और ज्ञापन सौंपने के बाद ये सभी प्रदर्शनकारी मुसलमान अपने अपने तिरंगों के साथ वापस छत्रपति संभाजी नगर लौट गए। और बड़ी बात यह है कि इस रैली का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी की ही पार्टी के एक पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पार्टी के एक और नेता वारिस पठान ने किया था। जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। तो अब अंदाजा लगाइए कि अगर मुसलमान 1% मुसलमान सड़कों पर अगर उतर आए तब क्या होगा। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 15% है, यानी लगभग 21 करोड़, और दुनिया की 11% मुस्लिम आबादी अकेले भारत में रहती है, यानी पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों में से 11% आबादी भारत में रहती है। और आज इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। और सोचिए, जब 12,000 मुसलमानों के महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरने से
इतना बड़ा जन सैलाब आ गया तो अगर 21 करोड़ में से 1% यानी 21 लाख मुसलमान भी सड़कों पर अगर उतर आए तो देश में क्या स्थिति होगी।